We will be now discussing about my journey from a transgender to an activist in society, which Shri Gauri Sawant. चलो शुक्रिया आपको मैं दिख तो रही हूँ पर मैं दिखी नहीं थी उस डॉक्टर को उस माताजी पिताजी को मैं कभी नहीं दिखी थी मेरे पिताजी पुलिस में थे यू सिट समवेयर एल्स ना मेरे पिताजी पुलिस में थे बड़ी लड़की के हो जाने के 10 साल के बाद उनको लड़का हुआ ऐसे डॉक्टर ने कहा गोड़ बोले नर्सिंग होम पूना में खुशी से जेब में जितने पैसे थे पुलिस वाला है नोटे कभी गिनता नहीं होगा इतनी खुशी से उसने जो आया गले की चेन नहीं दी जो पैसे थे उन्होंने आया भाई को दे दी खुश थे कि लड़का हुआ है जी हाँ आई वॉज बॉर्न एज अ मेल शॉकिंग लगता है ना थोड़ा आधे से आधे लोगों को पता होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसजेंडर पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं पैदा पुरुष थी संपूर्ण पुरुष थी मेरा कोई भी अवयव कहीं पर भी खराब या डैमेज नहीं था मेरा अवयव मैंने कहा पर मैं पुरुष यहां नहीं थी यहां थी थोड़ा उल्टा हो रहा है ना है ना मैंने क्या कहा मैं पुरुष यहां नहीं थी यहां थी डाइजेस्ट हुआ आपको पुरुष यहां कैसे हो सकता है पुरुष तो यहां होता है जी हां आपके नजरों से पुरुष नीचे था और मैं यहां पे औरत थी आई वॉज अ बॉर्न एज अ मेल बट आई यूज टू ऑलवेज थिंक दैट आई एम अ गर्ल जी हां मैं वो सुंदर सी लड़की खुद को महसूस करती थी उम्र के 9-8 साल तक मैं खुद को लड़के की तरह ही खेला करती थी पर मैं खुद के जहन में हमेशा यही था कि मैं एक लड़की हूँ मैं हमेशा लड़कियों के साथ ही खेला करती थी मेरा कंफर्ट जोन ज़्यादातर लड़कियों के साथ हुआ करता था लड़कियों की तरह घर घर खेलना भांडी कुंडी खेलना मम्मी की साड़ी पहन लेना तौलिया सर पे लकट के लोटे उल्टे पुलटे करके टीचर टीचर खेलना तब दूरदर्शन पे उषा उत्तप का शो आया करता था सांभा हो 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 वो गाना देख के लगता था मुझे उषा उत्तप होना है हाँ मुझे तब भी लगा था कि मुझे भविष्य में जाके इतनी मर्दानी पर्सनालिटी चाहिए बड़ी बिंदी लगानी है दैट्स व्हाई मेरे कहीं ना कहीं जहन में मेरी औरत आकार ले रही थी बचपन में मैंने ठाना था कि मैं आगे जाके भविष्य में बड़ी बिंदी जरूर लगाऊंगी पर बच्ची थी ना तब नहीं जानती थी कि 14 साल के बाद जब बदल हार्मोन्स मेरे शरीर में बदलना शुरू हो जाएगा मैं लड़की नहीं अनिल कपूर की छोटी बहन लगने लगूंगी और मैं हाँ शिट खरच शिट होते थे क्योंकि सब जगह बाल आ रहे थे मेरी खूबसूरती ढक रही थी मैं खुद को घुटन से महसूस कर रही थी क्योंकि ढांचा होता ना औरत को सुंदर दिखना चाहिए और तब मैं भी उसी ढांचे में चलती थी अनवांटेड हेयर हर जगह पे थे और इसलिए मैं शायद लोगों से कट्टी कट्टी सी सहमी सहमी सी रहने लग गई थी आई यूज टू नॉट प्ले विथ एनीवन मैं किसी से बात नहीं करती थी पर मेरा क्रियाक्रम मैं हमेशा किया करती थी मैं लड़कियों के साथ हमेशा खेला करती थी स्कूल कॉलेज में मुझे मराठी मैं महाराष्ट्र पुणे से हुई थी तो वहाँ पे मराठी में कैरेक्टर है गणपत पाटिल करके अगर आप 80s या 90s के प्ले देखोगे एक फनी कैरेक्टर पैंसी कैरेक्टर था मतलब जिस तरीके से औरतों का आवाज़ में बात किया करता था उसका नाम था गणपत पाटिल और कोई भी पैंसी मैन अगर थोड़ा सा भी हाथ हिला दे तो उसे गणपत पाटिल बोला करते थे मुझे आज भी वो दिन याद है मैं 7 साल की 8 साल की होंगी पिताजी के बाइक पे मेरे पिताजी पुलिस में थे उनके पास बुलेट थी बुलेट के ऊपर बैठ के आ रही थी पुणे में चतुर्शृंगी टेम्पल है वहाँ पे से उन्होंने मुझे वो पानी में जो बोट घूमती है ना मोमबत्ती लगाने के बाद गर गर वो एक दिलाई थी और एक चक्र दिलाया था और छोटी थी तो मुझे गाड़ी में ऊपर सीट के ऊपर बिठाया था एक हाथ में वो चक्र लिया था और दूसरे हाथ में मेरे हाथ में बोट था उस दिन मुझे खुद को संतोषी माता रियलाइज हुआ था क्योंकि सैटरडे को संतोषी माता पिक्चर देखा था आई थिंक मैं ही संतोषी माता हूँ जैसे गाड़ी चल रही थी वो दोनों चक्र घूम रहे थे मैं उस आविर्भाव से थी और किसी ने आवाज़ दी ए भाईल्या इतना सुनते ही शब्द मेरे पिताजी ने मुझे जोर से गाड़ी से उठाया नीचे रख के एक बम पे लात दे दी वो लात आज तक है उस दिन से आज तक मेरे पिताजी ने मुझसे बात कभी नहीं की आज मैं उम्र की 37 हूँ 38 में टर्न आउट होंगी आज तक मेरे पिताजी ने 7 साल की उम्र में किसी ने मुझे बाइल्या कहा मेरे पिताजी ने मुझे गाड़ी से उठा के मेरे बम पे एक पिछवाड़े पे लात दे दी और आज तक उनकी मेरी कट्टी बट्टी चालू है जिम्मेदार कौन आप लोग हो मेरे पिताजी की तो कोई गलती नहीं थी उन्होंने मुझे चक्र दिया था मुझे बोर्ड दी थी पर आपके एक शब्द ने उसके मन पे इतना घाव हुआ
कि आज तक वो सहन नहीं कर पाया, हम किसको दोष दे? कल तक मैं मेरे पिताजी को बहुत गाली देती थी, अरे इन्होंने ही मुझे पैदा किया, ये जो पढ़ती हूँ ना मीटिंगों में जाती, इन्हीं के क्रोमोजोम से हम आते हैं, इन्हीं माँ बाप के गुणसूत्र से बच्चे हैं, मेरे पिताजी काले थे इसलिए मैं काली हूँ, शायद माँ का नाक मुझे आया, तो मैं तुम्हारी थी। पर मैं आज जब मेरे पिताजी के लिए, कल तक मेरे दिल में बहुत गुस्सा था, मैं नफरत करती थी उस बंदे से कि वो मुझे स्वीकारता नहीं है, पर जब कल मैंने मेरे बच्चे के साथ मैं कहीं चल रही थी और किसी ने मुझे कहा हिजड़ा है अभी से ताली बजाना सीख लेगा, मेरे आंखों के आंसू में रोक नहीं पाई। हाँ, आई एम अ मदर विदाउट यूट्रस, आई एम द माँ। यस, आई ऑलवेज से मदरहुड इज अ बिहेवियर, टू लव समवन, टू केयर समवन, दैट इज अ मदरहुड। मातृत्व के लिए आपको गर्भाशय होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बैठे सभी लोग माँ है, क्योंकि हम किसी के ऊपर बहुत निस्वार्थ प्यार कर सकते हैं, वो है मातृत्व जो मुझ में कूट कूट के भरा है। जब मेरे पिताजी ने मुझसे बात नहीं की तो मुझे बुरा लग रहा था। मैं इस टॉपिक के ऊपर आऊंगी, आप जहन में घूमते रखिएगा कि ये इंटरवल के बाद ये क्या बताएगी, क्यों अभी पिताजी के ऊपर इसको गुस्सा नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझसे बात करना छोड़ दिया था, माँ बहुत जल्दी गुजर गई थी, मुझे आज भी वो किस्सा याद है। मेरे मामा ने मुझे गोद में उठाया था और माँ को अग्नि लेने को देने को कहा था, मैंने मेरे मामा का नोचा था, चेहरा नोचा था कि हाथ मामा आमचा कड़े है, तो हमारे माँ से राखी बंधवाते, आज मेरी माँ सोई है तो उसे आग लगाने कह रहा है। मैंने मेरे मामा को जोर से काटा था, मेरे मामा को नोचा था, मैं बहुत छोटी थी, मेरी माँ मर चुकी थी, माँ को अग्नि देने के लिए मैं मामा के कंधे पे थी, इतना ही मुझे आज याद है। गुस्सा नफरत जो भी था उतना ही दबा दबा था, किसी से प्यार ही नहीं था। एक शब्द ने मेरी जिंदगी बदल चुकी थी, बाइला करके। माई डैडी यूज़ टू नेवर यूज़ टू टॉक विथ मी, बहुत अलीशान घर था मेरा। माई डैडी वॉज इन पुलिस, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे मेरे डैडी, एसीपी थे उस वक्त, आप समझने की कोशिश करो, बड़ा बंगलो था पुणे में एरोडा में, उनका घर है 4-5 बेडरूम वाला फ्लैट, पर इस बेडरूम से मैं उस बेडरूम चली जाती थी, डैडी उठ के चले जाते थे। मैं टीवी बैठने भी चली जाती थी, डैडी उठ के चले जाते थे। उनकी आंखों में मैंने सिर्फ मेरे लिए नफरत 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 ही देखी थी। लोगों के बच्चों के डैडी घुमाने लेके जाते थे, डैडी उनसे बात करते थे, मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं था। अब भावुक मत होइएगा, क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पाती थी, जितनी स्प्रिंग दबती थी उतनी मैं स्ट्रांगली कड़ी थी। और एक दिन टीवी के ऊपर रखे हुए 60 रुपए लेके चुरा के आई रन अवे फ्रॉम माई फैमिली। बीच का पल्ला बहुत बड़ा है, 15 मिनट में क्या क्या बताऊंगी। घर छोड़ के भाग के आई, बम्बई आ गई, बम्बई के दादर स्टेशन पे आ गई, 60 रुपए जेब में थे, बहुत भूख लगी थी। बम्बई में सिद्धि विनायक टेम्पल है, वहाँ पे लोग हर मंगलवार को लड्डू बांटते हैं, भूख लगी थी, बच्ची थी, चली गई मंदिर के, यहाँ पे लोग लड्डू बांट रहे थे, मैंने भी लड्डू लिए। उस वक्त मुझे पता चला कि आई लव मोतीचूर के लड्डू, पतले से दाने वाले होते ना, मुझे बहुत पसंद है। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि आई लव दिस। मैंने एक खाया, दूसरा खाया, उसका तेल घी हाथ को लग रहा था, आई टू एंजॉइंग। मैं भूल चुकी थी कि मैं बाबुल का घर छोड़ के भाग के आई हूँ। और 2-3 बार वापस उस लाइन में जाने के बाद उस बंदे को पता चला कि लड़का घड़ी घड़ी आ रहा, तो उसने मुझे चिल्लाया, तो शर्म के मारे मैं निकल के गई। जब रात को रात हो गई तो मैं दादर स्टेशन चली गई, जेब में से 30 रुपए थे, रगड़ा पैटिस के लिए मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर मांगा, रगड़ा दिया था ब्राउन कलर की, वो कटोरी में रगड़ा दिया था, वो टूटी हुई थी, रगड़ा कैसे भी खा लिया, भूख लगी थी खा लिया। जब पानी मांगा तो उस भैया ने पानी के ग्लास में उंगली डाला, घर में एक्वागार्ड का पानी की आदत थी ना, उसने उंगली डाला तो पानी पी नहीं मैं, वैसे बिना पानी पिए रात को स्टेशन पे सो गए। पुलिस वाले ने आके पिछवाड़े पे एक डंडा दिया, जिंदगी में दूसरी बार पिछवाड़ा पिट गया था मेरा। अरे हंस रहे हो यार, पता नहीं कहाँ जिंदगी लेके आएगी। वहां से मैं गुरु के पास चली गई, गुरु ने मुझे 2-3 दिन रखा, खाना दिया पीना दिया, फुकट कौन किसको खिलाएगा। एक दिन मुझे कहा कि बेटा यहाँ का नजदीक का सिग्नल है, वहां पे जाके खड़ा रहना। उसी वक्त पेपर टीवी मीडिया में आ रहा था, मेरे महाराष्ट्र टाइम्स में आता कि सावंत साहब सा मुर्गा घर सोड़न गेला है। मेरा नाम गणेश था, गणेश तू कुठे अशील, तो परत ये पेपर में डाला था। वो कुमकुम मेरे गुरु को लग गई थी, किसी ने कहा पुलिस वाले का बच्चा है बहुत बुरा हो जाएगा, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की परत जा वापस जा। मैं जिद्दी थी, मुझे गंदे से कपड़ा एक पंजाबी ड्रेस ऐसा कुछ पहना के बालों को नकली विग लगा के सिग्नल पे खड़ा कर दिया। जब मैं सिग्नल पे खड़ी थी ना, इतना बुरा लगने की कोई बात नहीं है, उस वक्त मैं मेरे जैसे सिंड्रेला खुद को समझ रही थी।
मेरे जैसे खूबसूरत कोई नहीं था, बड़ा लूज ब्लाउज था, यहाँ पे कागज के गोले डाले थे ब्रेस्ट दिखने के लिए, गंदी सी साड़ी थी, पैरों में स्लीपर थी, बट देन ऑल्सो आई वॉज वो दुनिया की सबसे मिस वर्ल्ड थी मैं उस चौराहे पे, गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, आई वॉज एंजॉइंग माई सेल्फ, लोग देख रहे थे नकली किन्नर है क्या असली किन्नर है क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, गंदा सा मेकअप था शायद, मैं खड़ी थी और एक जन ने मेरे हाथ में 5 रुपए की सेलोटेप लगाई हुई नोट दी, सुबह 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मैंने भीख नहीं मांगी थी, आई यूज टू एंजॉय विथ माई साड़ी, गंदी सी साड़ी को लेके, इट वॉज अ गंदी साड़ी को लेके मैं खेल रही थी कूद रही थी, गाड़ियाँ जा रही थी, मुझे होश ही नहीं था कि लोगों से भीख मांगनी है मुझे, मैं उस दिन पहली बार साड़ी पहनी थी, किसी ने मुझे तैयार किया था, गजरा मेरे गर्दनों को छू रहा था, मुझे औरत होने का एहसास दे रहा था, गाड़ी वाले ने जब 5 रुपए की नोट दी वो भी फटी हुई, शाम को मेरे दूसरे गुरु भाई आए, उन्होंने कहा कितना भीख मांगी, तो मैंने जो था हाथ में दे दिया, तो उन्होंने कहा ये भीख के भी लायक नहीं है, मुझे समझा बुझा के घर चली गई, घर चली जाने के बाद मारपीट हुई, साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए, चटका वेटका वो सब चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ, पर वायलेंस दबा दबा सा था, फिर एक वक्त पे पिताजी ने खुद ही कहा अब तुम चले जाओ, और वो पिंजरा छोड़ के मैं इस दुनिया में चली आई। ट्रांसजेंडर होने के बाद मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि टॉयलेट बाथरूम बाहर होता है, घर में टॉयलेट बाथरूम नहीं होता है, इंद्रायणी बासमती चावल की टेस्ट अलग होती है, खुशबू पकने से पता चलता था कि घर में चावल हो रहा है, यहाँ का उकड़ा चावल गले के नीचे नहीं उतर रहा था, यहाँ पे कभी अगर एसी बंद हो गया तो पिताजी चुपचाप उठा के दूसरे कमरे में लेके जाया करते थे, यहाँ पे एक छोटा सा पंखा जो रात भर आवाज करता था, मॉस्किटो गुड नाइट वगैरह कुछ भी नहीं था, मटके में सब लोग हाथ डाल के पानी पीते थे, घुटन होती थी, पर जाने का मन नहीं था क्योंकि वो मेरी जगह थी, मेरे अपनों की जगह थी। गुरु से बातचीत चालू हो गई, कम्युनिकेशन चालू हुआ, मैं थोड़ी सी पहले से थोड़ी अलग हूँ, थोड़ी सी डैशिंग हूँ, मानवेंद्र ने हैव सीन मी, मैं थोड़ी सी कट्याल हूँ, नाटखल हूँ, घर वालों से थोड़ा बात कर लिया उन्होंने, मेरा कॉलेज एडमिशन शुरू कर दिया, मीन टाइम मैंने हमसफ़र में काम करना शुरू कर दिया, हमसफ़र में तभी एकदम गे गे टाइप था, और मैं ही ऐसी थी आउटरीच वर्कर थी जो लोगों को प्रमोट करती थी सेफ सेक्स के लिए, कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन करने का, ये सब काम, हेल्थ में लोगों को HIV टेस्टिंग स्क्रीनिंग करने का, धीरे 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 खुद को ग्रोन अप करती गई, पर दिल में एक बात थी कि आई वॉन्टेड टू बी अ गर्ल, आई नेवर यूज टू वॉन्टेड टू बी अ हिजड़ा, आई नेवर वॉन्टेड टू क्लैप ऑन अ स्ट्रीट, आई नेवर वॉन्टेड टू बी नेकेड ऑन द स्ट्रीट, मुझे कभी नहीं करना था, पर मेरे नसीब में वही लिखा था जो आप लोगों ने तय किया था, कर्मण्येव अधिकारस्य महाफलेषु कदाचन, जिस तरीके से लिखा होता है, मैं उसी पिंजरे में थी। हम सफर में काम करते करते हम लोगों ने खुद की संस्था शुरू कर ली, खुद का संस्था शुरू करने के पीछे का भी मकसद ये था, मैं मेरे बहनों को देखा करती थी सिग्नल पे चिल्लर जमा करने के बाद किसी चाय वाले के पास जमा करती है, डॉक्टर के पास जाओ डॉक्टर हमें हाथ लगाता नहीं है, एक मेरे गुरु भाई को किसी से इश्क हो गया था, उसने जला के ले लेता, सायन हॉस्पिटल बॉम्बे का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मुत्री के बाजू में उसको रखा था, डॉक्टर इंजेक्शन देने को तैयार नहीं थे, मैंने वो सब देख रही थी, मेरे घर में पोमेरियन कुत्ता था, उसे लेके जाने के लिए रिक्शा वाले को सुबह फोन करते थे, काका तुम्ही या ना राजूला घेऊन जायचे डॉक्टर कडे, मेरे कुत्ते के लिए इतना था, और मुझे आज पता चल रहा था कि सायन हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुत्री के बाजू की जगह मेरे लिए रखी है। आप समझने की कोशिश करिए दनव कितना होगा किसी के साथ। जब हम लोगों ने चार चौकी शुरू किया तब एक ही मोटिव था कि हम लोग इनको एक DIC देंगे जहाँ पे लोग आके नहाएंगे धोएंगे साफ सुथरे रहेंगे। एक चटाई से लेके मैंने शुरू किया थी संस्था, एक चटाई से, मोटिव इतना ही था कि ट्रांसजेंडर आए, कभी आते थे साबुन लेके भाग चले जाते थे, कभी दारू पी के आते थे, चाइनीज फ्राइड राइस खाते थे, उनका फेंका हुआ प्लेट में उठा लेती थी, पर मोटिव इतना ही था कि मुझे इनको संगठित करना है, इतना आसान नहीं था। फाइट समाज के साथ थी, फाइट मेरे अपनों के साथ थी, और मेरी फाइट मेरे बिरादरी के साथ थी। जब तुम त्रिकोण के एक मध्यांक पे खड़े हो ना, व्यास नहीं बनता, मेरे अपने ही मुझे दूरकार रहे थे, मेरा समाज भी मुझे ये कह रहा था कि अपना नहीं बदलना, यही हमारी जिंदगी, यही हमारा प्रारब्ध है। जब हम लोग HIV/AIDS में काम करना शुरू करते करते गए, प्रोजेक्ट्स आने लग गए, लोग एम्पावर करने लग गए, समाज से पहला मुझे विरोध हुआ, क्यों? कि मैं ये हायरार्की तोड़ रही हूँ, पितृसत्ता को छेद दे रही हूँ, गुरु चेला सिस्टम को मैं चिल्ला रही हूँ, मैं बोलती थी कि हमको भीख नहीं मांगना, हमको काम करना है। एक बार होटल में खाना खाने गई थी, इडली सांभर, अन्ना ने मुझे कहा वहाँ जाके बैठो, मैं बोला क्यों, बोला नहीं नहीं अच्छा लोग आएगा, मैं बोला AC में नहीं जाना मुझे, इधर जाना, नहीं आप बाहर जाके बैठो। That was my first incident.
आज वही होटल के एसी रूम का वो मैनेजर मुझे आके बताया, आइए ना, अंदर बैठिए ना, आप यहाँ बैठो के लोग आपका फोटो लेंगे, चेंज टाइम होता है. पर वही होटल में मुझे लेने को लोग तैयार नहीं थे, मुझे पार्सल दिया था, पैसा नहीं नहीं आशीर्वाद दो, चाहो जाओ 20 रुपये क्या लेने का चाहो. जब मैं पैसा ही नहीं दिया था, मैं उससे झगड़ भी नहीं सकती थी, आप समझने की कोशिश करो. उसने बांध के दिया हुआ इडली सांभार था, मुझे होटल में ना ले करके वो रस्ते पे दे रहा था आपसे पैसा, जाओ बाबा. इतना आसान नहीं है. आज यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, क्या आपको लगता है इतना आसान होगा मेरे लिए यहाँ आना? बिल्कुल नहीं. मेरा समाज आने को तैयार नहीं था, डॉक्टर हमको हाथ लगाने को तैयार नहीं. मैं एनजीओ में काम करती हूँ, हम लोग फीमेल सेक्स वर्कर्स के साथ भी काम करते हैं, वो और हम कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं. आप में से जो औरतें होती है ना, जो धंधा करने वाले लोगों को एक अलग नजर से देखते हैं, ओ शी इज अ बिच हॉर, इतना आसानी से हम लोग बोल देते हैं. पर कभी उनकी जिंदगी आप देखोगे, मेरी हालत तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं आपको डराती हूँ, धमकाती हूँ, कभी कभी भगवान के नाम पे आप मुझे पैसा दे देते हो, उनकी जिंदगी तो हाथ से बदतर है. एक मत ताली बजाओ. एक दिन हम लोग DIC NGO वाले, हमारे पास वो टपरवेयर के डब्बे नहीं होते ना, हम लोग टेबल पे बैठ के खाना खाते, जमीन पे बैठ के सब खा रहे थे, फैब इंडिया के कुर्ते में पहनने लग गई थी, am I right? तो हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे, एक औरत ने आके मुझे पूछा, तब मैं थोड़ी भारी बक्कम होने लग गई थी, ज्यादा फैट्स खाती थी, लड्डू खाती थी, तो मुझे कहा, अम्मा डू यू हैव अचार? कोई औरत अगर आके तुमको अचार पूछती, मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब है, इसका मतलब मैं डॉक्टर हूँ? बिल्कुल नहीं. मुझे पूछा, अम्मा अचार है? मैंने अपना आईब्रो 90 डिग्री घुमाया, उसे थोड़ा सा नींबू का पिक्कल दे दिया, उतनी उस औरत की और मेरी पहचान. बहुत समय चला गया, 5 साल जिंदगी के चले गए. मेरी एक स्टाफ है, मुझे आके पूछते, अम्मा डू यू रिमेंबर दैट लेडी? मेरे को जिसने पैदा किया है ना, उनको मैंने एक बार रोड क्रॉस करते वक्त देखा था. मेरे पिताजी को 20 साल बाद मैंने रोड क्रॉस करते देखा था, पर मैं उनको पहचाने को मुझे 2 मिनट लगे थे. जिंदगी में किसी को मैंने पिक्कल दिया, उसे मैं क्या याद रखूंगी बेटा? मुझसे कहा, नहीं अम्मा, शी इज HIV पॉजिटिव. मैंने, ठीक है, HIV फील्ड में काम करते करते मैं मशीन बन चुकी थी, आज मशीन नहीं हूं, मशीन बन चुकी थी. मैंने कहा, ठीक है, लाइन लिस्टिंग में से नाम हटा दो, मुझे जाना है, कहीं बाहर जाना है. उसने कहा, नहीं अम्मा, उसके साथ थोड़ा एक प्रॉब्लम है. मैंने बोला, बोलो क्या है? बोले, चलो, तब मैं पान खाया करती थी, नया नया थोड़ा फकीरी होता है, तो 120 पान खा के, बस पे की पान खा के, अच्छी दीवार दिखी तो थूकना है, वो खुशी मिलती थी. हाँ, मुझे बहुत खुशी मिलती थी. दैट वॉज माई आक्रोश, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट वॉज माई वायलेंस, दबा दबा सा जहर था वो मेरा. मुझे तुम्हारी दीवार गंदी करते कुछ भी बुरा नहीं लगता था, मुझे तुम्हारी दीवार अच्छी पसंद नहीं थी, क्योंकि आपको मैं पसंद नहीं थी. आई यूज़ टू चीप अ पान, मैं 1-2 पान एक्स्ट्रा खा के, चल रहे राज क्या हुआ, इतना नहीं करती थी, करती थी थोड़ा बहुत, चली गई. जब देखी तो एक 10x10 के कमरे में पंखा बिक रहा था, TV बिक रहा था, किसी ने कहा कि मैं गैस का बाटला लेके जाऊंगी, एक बंदे ने कहा कि ये औरत मेरा 2 लाख देना है, ये बच्ची को मैं लेके जाके सोना गाची बेचूंगा. उस वक्त मैं खुद को रोक नहीं पाई. 2 पान 120 बनारसी चूना मुंह को लगा के मैंने कहा, मेरा 5 लाख देना है. झूठ बोलना कभी कभी बहुत जरूरी होता है. मैंने कहा, मेरा 5 लाख देना है. वो पठान के साथ, आप समझने की कोशिश करो, 6 फुट 8 इंच वाला पठान, 5-7 की गौरी सावंत, हम दोनों में झगड़ा चालू था 1.5-2 घंटा. मुझे ए से लेके जेड तक अच्छी गालियां आती है. हाँ, मैं अच्छी गालियां दे सकती हूँ, जो सुनने के बाद इंसान के कान से भी खून आ जाएगा, उसे सुना भी नहीं होगा. वो सबका मैंने प्रयोग किया, ओनली एंड ओनली टू सेव माई चाइल्ड. जब वो चला गया, मैं बोली, मैं 5 लाख में, मेरा 5 लाख आना है, बच्ची के ऊपर कस्टडी मेरी बनती है. जब मैं बच्ची को घर पे लेके आई, मेरा गुरु टाइगर बाम, विक्स बाम सब मिल के मसाला लगा के बैठा हुआ था. मेरा बड़ा गुरु भाई चंपा नाम है, किंग फिशर, और एक मांदेली टुकड़ा कागज में रखा हुआ मांदेली खा रहा था. अब समझने की कोशिश करो, रात हो गई थी. पहला सवाल मेरे गुरु ने मुझे पूछा, इंसान का बच्चा? आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, मेरी गुरु मुझे कहती, इंसान का बच्चा, दैट मीन्स वी आर नॉट इंसान. दैट वॉज फर्स्ट लैप. मैंने कहा, हाँ. बोला, अरे तू ये 8 लोगों की बच्ची उठा के लेके आई, तू क्या मुसीबत है? इधर झोपड़पट्टी वाले जीने देंगे क्या? किसी ने कहा धंधा करवाएगी क्या बच्ची से? बुढ़ापे का सारा सब सुन सुन के मैं कंटाल गई थी, पर मेरे पास जवाब नहीं था. मेरी बच्ची वो फिश के टुकड़े को देख रही थी. दारू पीते पीते मेरा गुरु भाई वो छुपा रहा था. मेरे गुरु ने चावल दी, राइस दी. फिर मैंने बोला, भाई गुरु भाई, थोड़ा सा टुकड़ा उसको मांदेली का तो डाल दे. बच्ची खाई, तब मेरा गुरु भाई बोलता, कितना खाना खाती है? 3 दिन. आप समझिए, 6 साल की बच्ची 3 दिन भूखी थी. बच्ची कांटे के साथ मच्छी खा रही थी, मैं देख रही थी उसे. मैं
मैं प्योर वेगन हूँ, मैं अंडा तक नहीं खाती हूँ, पर उसको खाते वक्त मेरे को तृप्ति का एहसास हो रहा था। रात हो गई, मैं हम एक पलंग पे सोते हैं, मैं ब्लेस्ड हूँ, थोड़ी दादागिरी करती हूँ, इसने मुझे थोड़ा ऊपर देते, ऑफिसर की बेटी हूँ ना, एक जेड सिक्योरिटी मिलती मुझे, तो मैं पलंग पे ऊपर सोई, मेरी गुरु नीचे सोई थी, बच्ची को कौन सुलाएगा, दारू पिया गुरु भाई उसके बाजू में, वो सोएगी नहीं, मेरी गुरु के बदन से तो मतलब वो उसके होश में नहीं थी। बच्ची मेरे बाजू में आई, रात हो गई, एक छोटा सा कंबल था, वो बच्ची खींच रही, मैं खींच रही, तब मुझे लगा कि इसको क्यों मुसीबत में लाई मैंने, ये क्यों जड़ी बूटी लेके आई मैं, खुद की जिंदगी क्यों जहन्नुम बना ली। रात को 1:30-2 बजे बच्ची ने मेरे पेट पे हाथ रखा, आप उम्मीद करिए आज तक वो मैं हाथ हटा नहीं पाई, शी इज माई डॉटर, हर नेम इज गायत्री। अब बजाते हैं ये गायत्री के लिए। देखो, बच्चा पैदा करने के लिए मुझे इमली खाने की जरूरत नहीं पड़ी, 9 महीना रुकने की जरूरत नहीं पड़ी, जिस पावरफुल ताकत से वो लड़की ने मुझे पकड़ा था ना मेरे पेट को, मुझे झिंझोड़ दिया था, मेरा मातृत्व का एहसास उस रात मेरी डिलीवरी हो चुकी थी, वो गायत्री मेरी जिंदगी में आई। बच्ची बहुत शरारती थी क्योंकि मेरे घर में संस्कारी आया हुआ टाइम ना, ऐसे कर देना फिर, हाँ बच्चा, हाँ ये लोगों को आदत होती है। बच्ची को जब मैं स्कूल जाती थी, मेरी बच्ची के रोज कंप्लेंट आया करती थी, बच्ची को पता नहीं टीचर रोज क्यों चोटी बांध के आने को कहते, मैं एक दिन चोटी बांधी बच्ची छोड़ देती थी, दूसरे को रोज मैं बोलती थी कि अम्मा जरा मेरी बेटी की चोटी डाल दो, एक दिन गुस्से से मैंने जाके उसे जेंट सैलून में बैठाया, उसका बॉयकट कर दिया, मशरूम कट कर दिया। बच्ची रो रही थी, बच्ची के आंसू की आंखों के आंसू अंगूर की तरह थे, मैं मजबूर थी क्योंकि मुझे चोटी डालने नहीं आती थी, टीचर बिना चोटी के स्कूल में बच्ची को ले नहीं रही थी। एक दिन पेरेंट्स को बुलाया, मैं चली गई, टीचर ने कहा इसके माँ बाप को बुलाया, मैंने कहा मैं ही उसकी माँ हूँ। टीचर को पसीना छूटने लग गया, टीचर शिवरिंग होने लगे, उसे मुझे प्रिंसिपल के कमरे लेके गई, प्रिंसिपल ने मुझे बैठने को, मैंने कुर्सी ऐसी की, प्रिंसिपल ने कहा खड़े हो जाओ, चेयर मैंने हाथों से ऐसी लकड़ी की स्कूल की चेयर, सर यू कैन सिट हियर, चेयर सर यहां बैठिए ना, इकड़े इकड़े बसा ना, चेयर ले ली, टीचर ने मुझे कहा आप खड़े हो जाइए, प्रिंसिपल मुझे कहती है खड़ी हो जाइए, आप समझने की कोशिश करो, प्रिंसिपल ने मुझे सवाल पूछा आप क्या हो, हिजड़ा हूं, वो क्या है, औरत है, आप उसको हिजड़ा बनाना चाहते हैं, मैंने बोला नहीं, मैं तो उसकी परवरिश कर रही हूँ, मैं मदर टेरेसा बन रही हूँ, मैं उसका ख्याल रख रही हूँ, मैं उसके लिए कितना कर रही हूँ। बोला आपकी लड़की स्कूल में गंदी गंदी गालियाँ देती है, लोगों को मारती है और कहती है ज़्यादा तुमने मुझे अगर टिफिन नहीं दिया, पेंसिल नहीं दिया, तो मैं हिजड़े लोग छक्के लोगों को ला के तुमको मारूंगी। आपके बच्चे को संस्कार दे ही नहीं पा रही थी मैं, उसका ग्रास कम था मेरे लिए, उस डिसीजन से मैंने उसको हॉस्टल में रख दिया। थोड़े दिन बाद मेरे मीडिया फ्रेंड्स है, किसी ने मेरे बारे में आर्टिकल लिखा, यूनक मदर, यूनक का मतलब है कैस्टेटेड मैन, आई एम नॉट ओनली कैस्टेटेड मैन, आई एम अ वुमन, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, माई जर्नी इज नॉट ए यूनक जर्नी। लिखा मैं रातों रात फेमस हो गई, लोग मुझे जानने लग गए, पहचानने लग गए, इंटरनेशनली मैं फेमस हो गई, पर मैं वही गौरी सावंत थी जो रस्ते पे थैले वाले के साथ झगड़ा करती थी, कहीं पे भी सिग्नल पे कोई भी हिजड़ा मिले उसके साथ बैठ के चाय पीती थी, मजा मस्करी करती थी, स्वच्छ भारत अभियान की तरह थूक के रख देती थी। एक दिन बम्बई का कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया है, वहां पे मैं चली गई, वहां पे 2 बांग्लादेशी लड़कियों ने मुझे पूछा अम्मा की भालो लागछे तुम्हें कि बंगाली ना गे खांड के आमी कितने बंगाली ना ना आपकी बड़ी बिंदिया बड़ी प्यारी लगते। मैं बोला जाजा 120 बनारसी पान लेके आ। आधा घंटा वो लड़की आई नहीं, मैं बोली ये लोग बहुत चैप्टर बंगाली लोग, हाँ ये लोगों मारो इधर रखो मत इन लोगों, मैं ज्ञानामृत दे रही थी किसी को, और एक छोटा सा पिंजरा होता है सेक्स वर्कर्स की, जैसे टूर्स के बस होती है ना पर्दे लगे हुए, ऐसी बस होती है छोटी बस की तरह, उनका घर था, कर्टन लगा है, मैं टहल रही थी, मैं एक जगह 10 मिनट की ज़्यादा बैठ नहीं सकती हूँ, तो चली गई, तो मैंने कर्टन खोला तो एक लड़की जो उसकी बहन थी वो वहाँ पे सोई थी, उसके बाजू में छोटी सी लड़की रखी थी, और वो लड़की माँ के दुपट्टे के साथ खेल रही थी, ऐसा हाथ पकड़ रही थी छोड़ रही थी, और उसके बाल बहुत सुंदर बंगाली थी, बड़ी बड़ी आँखें, बाल छोड़ के मैं 2 मिनट देख रही थी, और जैसे मैंने देखा तो एक अंकल अपनी जिप लगा रहे थे, मुझे शर्म आ गई थी खुद को, जिंदगी में दूसरा तमाचा मुझे मिला था, मेरे पिताजी मेरा बाप मेरा भाई, मैं सभी को मेरा ही कह रही हूँ, मेरे पिताजी मेरा बाप मेरा बेटा मेरा हस्बैंड जिप लगा रहा था, मैंने बहुत ताकत से वो पर्दा बंद कर दिया, वो अंकल का मेरे पिताजी का जाने का इंतजार किया, जब वो चले गए बच्ची को उठाया तो बच्ची के बदन से सुसु ग्राइप वाटर का मिक्स बास आ रहा था, मैंने उसको देखा, आई जस्ट स्माइल्ड, कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी मुझ में, शर्म टूट चुकी थी मैं। उसने कहा तुझे चाहिए क्या, मैंने कहा तू देगी क्या, अगर मैं नहीं दूंगी तो ये आर बनेगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई माँ अगर बोलती कि मेरी बेटी आर बनेगी, आप सब
होशियार लोग हैं, आपको आर का मतलब पता है। यहाँ माँ विवश, बच्ची का फ्यूचर उसने तय कर लिया है। मुझ में उस रात हिम्मत नहीं थी, बच्ची को मैंने नीचे रखाया। ओला बॉम्बे में नई नई शुरू हुई थी, माइक्रो मिनी 350-400 8 मिनट पे आएगा, चूटे की तरह उसे देख के मैंने बोला गाड़ी बुक कर ले। मुझे जगजीत सिंह पसंद है, गाड़ी में बेबी डॉल सोने की लगा था, वर्ली सीलिंग से गाड़ी आ रही थी, मुझे खुला समुंदर देखना पसंद है। उस दिन मैं मिट्टी की थी, मैं स्तब्ध थी। गुरुवार था, मैं गुरुवार को फास्टिंग रखती हूँ। गुरु ने कहा खाना खाएगी, मैं बोली नहीं मैं जाऊँ नाली बाहर हूँ, आई हैड इट मैं। सो गुरु ने कहा ठीक है सो जाओ। रात को 1:30 बजे तक मैं करवटें बदल रही थी, बच्ची का हंस का चेहरा मेरे सामने आंखों के सामने आ रहा था। गुरु ने जब सुसु को उठी तो गुरु बैठ के उठ गए, बोले क्या हुआ? मैंने कहा ये हुआ। तो मेरे गुरु ने कहा कि आर की बच्ची आर ही बनेगी, बहुत आसानी से मेरे गुरु ने बोल दिया था। तीसरी चोट मेरे कलेजे पे लगी थी। मैंने कहा गुरु आपके पिताजी तमिल ब्राह्मण है, पूजा करते, फिर आप नहीं पुजारी बने, मेरे पिताजी पुलिस में, मैं नहीं बने, हम कैसे तय कर सकते कि सेक्स वर्कर्स की बेटी सेक्स वर्कर ही बनेगी? मेरे गुरु ने कहा आप तो क्या चाहती है? मैं बोला क्यों ना हम इन्हें देखे। मेरे गुरु ने सिर्फ मुझे स्माइल किया, उसने मेरे सर पे हाथ घुमाया। उसको पता था कि दूसरी चिंगारी यहाँ उठ चुकी थी, एक गायत्री पे रुकने वाली ये नहीं थी। उस रात मेरे दिल में एक थॉट आया जिसका नाम है नानी का घर, मतलब अजीत सा घर, जहाँ पे हम लोग ये सेक्स वर्कर्स के बच्चियों को संभालते ताकि भविष्य में ये लड़कियाँ सेक्स वर्क में ना जाए। और जिंदगी मेरी तड़पी एक मातृत्व के लिए, एक जिंदगी मेरी तड़पी है मातृत्व बनने के लिए। आखिर में मैं हमेशा कहती हूँ डिवोटी ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते हैं डोंट आस्क सोसाइटी व्हाट दे हैव डन फॉर अस, इट इज आवर ड्यूटी टू प्रूव आवर सेल्फ दैट व्हाट आर यू गोइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी। एक जन्म है, आना है जाना है, मैंने तो तय कर लिया है। क्यों पता है? मैं झाड़ भी लगाती हूँ। मैंने एक बार मिर्ची का झाड़ लगाया, मिर्ची के झाड़ को छोटे छोटे फूल आए सफ़ेद कलर के, आई थॉट तीखे होंगे, मैंने तोड़ के देखा वो मीठे थे। जिंदगी का फलसफा भी ऐसे ही है, वो फूल सूखने के बाद मिर्ची बनते हैं। आप समझ चुके, आप होशियार हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि जिंदगी में कोई भी लड़की सेक्स वर्कर बने, इसलिए जो मैं काम करती हूँ जिसका नाम है नानी का घर, ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए पर लड़कियाँ कूड़ों में कचरों में फेंकी जाती है। आज लड़कियां कोई भी सुरक्षित नहीं है। मेरी बहन हैदराबाद में कल रेप गैंग रेप करके जला दी गई, कल किसी को जला दिया, मार दिया गया। आप समझने की कोशिश करो, मैं साड़ी पहन के अगर स्टेशन पे, आपको क्या लगता है ये कफन ओढ़ के मैं सुरक्षित हूँ? मेरा कफन ओढ़ने वाला मेरा जेंडर पूछेगा? यहाँ आके जेंडर इक्वालिटी पूछूंगा, बात करूंगी मैं, मेरी चॉइस पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। ये कफन ओढ़ के हम चलते हैं, पर जिंदगी में जाते जाते इतना ही कहूंगी, आई डोंट हैव एनी मैजिक ट्रिक्स टू टेल यू व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय लाइफ। यू नो डोंट गिव अप, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। कोई एक चीज तुमको डिमोरलाइज कभी नहीं कर सकती है। इफ यू हैव अ स्ट्रांग विजन एंड स्टेटमेंट, इफ यू कैन मेक अ स्माइल सोसाइटी, दे विल लव यू। क्योंकि जब मैंने आपके बच्चे को गोद लगाया, आपने मुझे माँ भी बना दिया, पर मैं मेरे गुरु की चेला थी, आपने मेरे रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारा। इस नोट पे मैं रुक, टाइम हो गया? यस, तो बेल बजाते फिर ऐसे बुलाते हैं, बोलते टाइम खत्म हो गया। इस नोट पे मैं रुकना चाहूंगी, अगर कुछ ज्यादा बोली हूं, हर्ट किया होगा तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मैं सिर्फ 6 साल की हूँ स्वतंत्र भारत में, मुझे मेरी आइडेंटिटी अभी मिली है, पर मैं उस शिखंडी की आखिरी औलाद हूँ जो हर चौराहे पे नंगा नहीं होना चाहती हूँ। मैं थोड़ी सी जिद्दी हूँ क्योंकि मुझे मेरे अपनों ने ठुकराया है, और आप मुझे उम्मीद करते हो कि मैं सही से रहूँ। मेरी परवरिश, मेरे घर वालों ने मुझे दूर किया है, तो मुझ में वो संस्कार शायद नहीं होंगे, पर मैं सीखने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और आखिर में कानून बदलने से कुछ नहीं होता, हर एक की अपनी सोच बदलेगी तब मेरे ख्याल से लगता है ये मोहब्बत की दूरियाँ मिट जाएगी। क्योंकि आपकी ताली ताली है, मेरी ताली आक्रोश है, मेरे जैसी ताली आप सुनना पसंद नहीं करते हो। इसी नोट पे रुकती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इतने लोगों को स्पीचेस दी है, मैंने सभी फॉलो किए हैं। तो सो मैम, एक मतलब ट्रांसजेंडर के बारे में एक क्वेश्चन था कि अब तक मैंने जितने भी मूवीज देखी है, एक्चुअली अगर हमें चेंज करना हो विजन, ये मेरा खुद का एक सुझाव है कि
ट्रांसजेंडर की अभी बहुत सारी मूवीज ऐसे हैं जिसमें ट्रांसजेंडर को दिखाया जाता है. मतलब एक मूवी थी कि जिसमें ऋषि कपूर देख रहे थे, तो उसमें एक बहुत मेजर कॉज मुझे लगा कि वो अगर किसी को ट्रांसजेंडर दिखाना है तो वो अपना सेक्स रिप्रेजेंट करेंगे. मतलब कोई अगर अच्छा मर्द दिखे तो अपने वो वोट दबा देंगे. और यही कुछ सब कुछ चीज़ें हैं ना, हम लोग सीखते हैं, हम बच्चे हैं तो हम सीखेंगे कि वो ट्रांसजेंडर है, वो तुम्हारे देख के तुम्हें ठरक की नज़रों से देखेगा, वो लड़का है तो लड़कों को ठरक की नजर से देखेगा. तो आई थिंक सो दिस इज नॉट द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ अ ट्रांसजेंडर. नो नो, सी यू आर कंपेयरिंग ऑल एवरीथिंग. मतलब फ्रिज में रखा हुआ चावल दाल तुम मिक्स कर रहे हो, है ना. ये जरूरी नहीं कि ट्रांसजेंडर्स को एक लड़का ही पसंद आएगा. माई पार्टनर इज अ ट्रांस मैन, यू आर गेटिंग माई पॉइंट. और वोट और हमारे लैंगिकता के बारे में बात ही नहीं की जाती है ना. yes, है ना man. और किसी को इतना, क्योंकि समाज का ढांचा है. मेरे मामा ने मामी के साथ शादी की, मेरे काका ने काकी के साथ शादी की. अगर मेरा कोई मामा किसी हिजड़े के साथ शादी करता तो शायद मुझे तकलीफ नहीं होती थी. आप समझ रहे, समाज में शादी का व्याख्या ही ये किया गया है. और जब तुम बोलते हो कि हम आदमियों को देख के वोट पसंद करते हैं, हम औरतों को नहीं करते, ये गलत मत रहिएगा, है ना. नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट. हमें वही विजन चेंज करनी है कि उनकी एक अलग से आइडेंटिटी वैसे भी है. पर किसी को देख के सब सभी ऐसे नहीं होते. मैंने कभी जिंदगी में किसी मर्द को देख के नहीं किया. शायद किसी मर्द ने मुझे देख के किया होगा. उनके नजरों से मैं घायल हुई हूँ. कभी कभी ऐसे नजरों से भी मैं खुद को परेशान महसूस की हूँ. तुम्हें क्या लगता है, मुझे छोड़ा गया होगा? ओके okay. है ना. तो इस तरीके से ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक अगर तुम करोगे. आप, मैंने इसलिए कहा ना कि मेरा समाज कौन था, मुझमें संस्कार नहीं किए गए, मुझे किसी कमला हमला ने पैदा नहीं किया है. आप जैसे, आपके जैसे घर में कोई होगा तो आप बोले कि बड़े आएंगे तो इस तरीके से, मुझे में संस्कार ही नहीं थे ना बाबू. अब मैं खुली हूँ, मुझे तुम पसंद आए तो मैं बोले और चिकने, शायद कोई दुश्मन गट्स नहीं होंगे बोलने के लिए. और मैं सेक्स के बारे में खुल के बोलती हूँ इसलिए शायद मैं बदतमीज हूँ. मैं सेक्स वर्कर हूँ तो मैं पटरी के यहाँ पे किसी झाड़ के इधर खड़ी होती हूँ, समझ जाओ. मैं सेक्स वर्कर हूँ, मैं झाड़ के नीचे खड़ी हूँ. मेरे पास, मैं सेक्स वर्कर हूँ इसलिए मैं झाड़ के नीचे खड़ी हूँ. वहाँ पे कौन आता है पता है? तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे भाई, तुम, तुम्हारा बेटा, तुम आते. मैं तो वही खड़ी रहती हूँ. नाम किसका खराब है? मेरा क्या है, मैं सेक्स वर्कर. बाजार में अगर नहीं बिकते थे तो क्या खरीदार नहीं होते थे? लोग कोई हमसे नाता रखने नहीं चाहते. एक पोएट मेरी दिशा शेख करके उसने कविता लिखी हिंदी में. बरसात आने के बाद एक आदमी जाके दीवार के बाजू में खड़ा हो गया. बरसात आ रही थी तो एक आदमी जाके दीवार के बाजू में खड़ा हो गया. दीवार को लग गया मैं घर बन गई हूँ. दीवार को लगा मैं घर बन गई हूँ. पागल दीवार थी, ये नहीं जानती थी बरसात रुकने के बाद वो चला जाएगा. हमारी जिंदगी में आने वाले आदमी वक्त के लिए आते और चले जाते, क्योंकि रिश्तों को कोई नाम ही नहीं है उसके लिए. ये इंडस्ट्री में तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम ऐसे क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं सोसाइटी में जिसके वजह से ये जो सेक्स इंडस्ट्री है. इतने इतने मत सवाल पूछ, एक एक पूछ ले, तुझे मैं टाइम दे देती हूँ. ओके. सेक्स वर्कर इंडिया में लीगल नहीं है पहली बात. ओके. वो लीगलाइज करो. ओके. कोई भी लीगल करो फिर उसके ऊपर. जब अनलीगल वर्क है मोस्ट ऑफली फोर्स गर्ल्स है जो हरेस्ट कर, जब तुम लीगल कर दोगे तो उसके ऊपर ढांचा हो जाएगा. अभी ये औरतें बच्चे पैदा करती है. आप हमारे यहाँ पे औरतों को अधिकार नहीं है. अगर मैं किसी हॉस्पिटल में लड़की को लेके जाती हूँ सेक्स वर्कर को, उसको बोलते रोजी आदमी का क्या नाम लगाने का, तो मेरी रोजी बोल देती कि अक्षय कुमार लगा दे. शी डोंट नो. आप समझ रहे मेरी हंसने की चीज़ ये बातें, क्योंकि औरत को रोजी को नाम अपना लगाने का अधिकार नहीं है. मैंने 10 फीमेल सेक्स वर्कर को इकट्ठा किया, बोला पैन कार्ड बना के हम RTI फाइल कर देंगे, हम ना टैक्स भरेंगे और उसमें लिखेंगे सेक्स वर्कर है. वो वकील ने, मेरे CA ने मुझे वापस दे दिया, मेरे को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया. अब समझ रहे, सेक्स वर्क लीगल कर दोगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी. उसे भी काम तरीके से देखो. ओके, थैंक यू. दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ये था कि व्हाट प्रैक्टिकल स्टेप्स वी कैन टेक कि ये सेक्स इंडस्ट्री इंडिया से खत्म हो सकती है क्या? क्यों पर पहले विश्वकन्या थी, ये सोच को तुम क्यों ये कर रहे हो? तुम इसे घृणा की नजर देखो. यहाँ बैठ के कोई भी प्लेटफॉर्म पे ये कोई नहीं बोलेगा मेरे को दो लड़की, एक को मैं IAS ऑफिसर बनाऊंगा, दूसरी को सेक्स वर्कर बनाऊंगा. कोई नहीं बोलेगा. और ये भी बोलना उचित नहीं होगा कि वो औरतें करके हम माँ बहनें सुरक्षित है. सुरक्षित तो आपने सबने देखी है. इस तरीके से आप करोगे कि ये बंद कर दो तो नहीं होगा. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये, जैसे आपने बोला कि हरास करके उनको लेके आया कर लेके आया जाता तो उसके पर सख्त कानून बनाओ. That is what नाबालिग लड़कियां, बांग्लादेशी लड़कियों को लाया जा रहा है, वो रोक दिया करो. पर बांग्लादेशी लड़की को छोड़ दो, उसके गोद में जो बच्चा है वो तो मेरा है ना, उसे सुविधा दे दो, उसके स्कूल कॉलेज में तो एडमिशन दे दो. Okay. उसकी कोई लड़की वापस दोबारा से सेक्स वर्क ना बने. वो जिस दिन वो सेक्स वर्कर बनेगी उस दिन तुम्हारी और मेरी हार है जिंदगी की. Yeah.
थैंक यू. एनी क्वेश्चन? फिनिश? उनको बोलना फिनिश. It was not that beautiful journey. It is a painful journey, what I have seen. Still, I miss my parents. KBC episode देखते देखते मेरे पिताजी को paralysis का attack आ गया. आप समझने की कोशिश करो. लोग मुझे बताएं आपको KBC में देखा बहुत अच्छा लगा. अरे मेरे बाप को paralysis आ गया, attack आ गया. Still, he has not accepted me. हाँ, स्वीकृति करने के लिए अगर हम सही है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लैंगिकता सही है, तो तुम छुपने के बजाय सामने वाले को बताओ. जब तुम कैसा ना छोटा बच्चा, मैं मेरे बच्चे जिद करता है नहीं माला पाहिजेस, तो मैं बोलती आज नहीं उद्या. जब वो 10 बार करेगा तो मैं देती हूँ. जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी लैंगिकता ये, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे पेरेंट्स के मजबूरी के वजह से कम आउट नहीं होते करके शादी कर लेते हैं. एक शादी होने के बाद बीवी को बोल देते कि मैं गे हूँ, मुझे आपको छोड़ना पड़ रहा है. एक दोनों की जिंदगी खराब हुई है. हमारे यहाँ पे पितृसत्ता है. एक लड़के को सिर्फ मेरे को हमको भी बोलेंगे शादी कर ले, आगे का आगे देखा जाएगा. दारू पी रहा है तो बोले लग्न करूं दे, शादी कर तो सुधर जाएगा. पर कल को अगर तुम्हें लड़का होना है तो क्या तुम्हें लगता है कि समाज तुम्हें इतने आसानी से होने देगा? बोलेगा क्या, हाँ होने का ठीक है, एक बच्चा पैदा कर लो फिर देखा जाएगा. तुमको क्या करना है, रिसेप्टिव पार्टनर ही तो बनना है. ये माइंडसेट चेंज करना होगा. LGBT को हम जिस तरीके से प्रेजेंट कर ले बर्गर के लिए नहीं. हमारे पास अर्जुन था बृहन्नडा का, जिसने किया था 6 साल जिंदगी का, उसका कहीं पे भी कैस्ट्रेशन लिखा हुआ नहीं है. वी रिस्पेक्ट ना. तो हमको अगर करना है तो हमको, अगर हमको पता है कि हम क्या है, तो डर के मारे किसी दूसरे की जिंदगी खराब करने से अच्छा स्ट्रांगली अपने पेरेंट्स को बोलो. और जिस वक्त आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े होंगे, ये तो बाद में आएंगे तमाशा देखने के लिए. एक कहावत है, देसी घी का लड्डू टेढ़ा ही सही, वो मेरा है. जिस वक्त अपने पेरेंट्स, मैंने जैसे पहले कहा था बाइक के ऊपर, मेरे पिताजी ने समाज के डर से मुझे लात मारी थी. अगर यही समाज उनको नहीं डराता था, शायद आज मैं कुछ अलग होती. नमस्ते कराई सर.